श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की भूमि से डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन पांच बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। तो ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति निरंतर होते बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया। गीता में के अनुसार व्यक्ति को संदेह और संशय का स्थिति नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति संशय वा की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जय कृष्ण।